पहले गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ नौकरी है ही नहीं, पॉसिबल बहुत कम है। अब जब प्राइवेट आ ही रहा है इधर, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत जो बेकार लोग बैठे हैं घरों में, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है। कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, मतलब हमारे पास एक चीज़ है, जो कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत है, तो फिर जॉब्स की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग जो हम यहाँ पे कश्मीर में है बहुत कम है। सिविल इंजीनियरिंग जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा कम है। आज बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वजारत तालीम ने डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू और कश्मीर के ताउन से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जॉब फेयर का इफ्तिताह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बराए खवातीन श्रीनगर में किया, जिसमें सनातों के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर्स के जरिए एक मुफीद सेशन का इनेकाद किया गया, ताकि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट और तुलबा के दरमियान एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्रामों में इनकी शमूलियत की जा सके। मरकजी रियासती के साथ साथ निजी इदारों के नुमाइंदों और उम्मीदवारों ने इस तकरीब में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सूरभ भगत, केमिस्टर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट ने इस मौके पर खिताब करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की अहमियत को बयान किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में डोजनी ग्रुप, मेडिकल इंडस्ट्री और राइटल ग्रुप जैसे नए कारोबारी शोबे भी आ रहे हैं। काम पर डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट ने जम्मू कश्मीर के तलबा के फायदे के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्रामों में तलबा की ज्यादा से ज्यादा शिरकत के लिए तरीके तलाश करने के लिए महकमे सनत के साथ इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद की जरूरत का भी इजहार किया। पेश है पुकार न्यूज नेटवर्क की ये रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आयत है और मैं लाल बाजार से आई हूँ। बॉटनी कर रही थी इस्लामिया कॉलेज से, तो मैंने जब सुना कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये यूथ के लिए बहुत ही बहुत एडवांटेज है यहाँ आना। अच्छा एक्सपीरियंस था, इनके साथ बात करना, बहुत अच्छे इंसान है, अंदर बात कर रहे थे, अच्छे से बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, बहुत कंफर्टेबल कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे, मुझे लगता है पहले गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ नौकरी है ही नहीं, पॉसिबल बहुत कम है। अब जब प्राइवेट आ ही रहा है इधर, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत जो बेकार लोग बैठे हैं घरों में, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है। मतलब मैं देखती हूँ ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोग जो PhD कर रहे हैं, वो घर बैठे हैं बेचारे डिप्रेशन में हैं। तो जो ये प्राइवेट लोग आ रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज, इनसे बहुत ही बहुत ही बहुत ही मदद हो रही है। यहाँ पे जो है ना प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सोनामर्ग में है, बाकी डैम्स है, बाकी जगह पे जो कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाईवेज बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो यहाँ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ के लोकल टैलेंट को लोकल टैलेंट को नहीं ले रहे हैं, जबकि वो बाहर से जो इंजीनियर्स आते हैं उनको यहाँ पे काम देते हैं। उसमें क्या होना चाहिए कि कम से कम 40-50% यहाँ के जो लोकल्स होने चाहिए वहाँ पे ये रिक्रूट होने चाहिए। और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो ये टेक्निकल है, ये अब जो भी है सिविल में जाता है वो छोड़ ही देता है, क्योंकि सिविल में यहाँ पे कोई स्कोप रहा नहीं। अब हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि प्लीज़ इस इशू को ध्यान में रखकर हमें इनमें रिक्रूट कराए। मेरा नाम आबिद है, हम KGP कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से है, जो श्रीनगर में है। तो फिर क्या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा एक एक्सपीरियंस बढ़ रहा है इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, कैसे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं फर्दर कंपनीज़ क्या, क्योंकि यही तो खाली कंपनीज़ नहीं है जो हायर करेंगी, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज़ है। तो फिर ये सबसे बेस्ट रहा हमारे लिए कि हमने कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया, चाहे फिर हमें कंपनी ने लिया या ना लिया, बट हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि आगे वाले इंटरव्यूज़ कैसे होंगे। क्योंकि कल कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को आप प्राइवेट सेक्टर में कैसे देखते हैं? कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, मतलब हमारे पास एक चीज़ है, जो कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत है, तो फिर जॉब्स की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए, श्रीनगर में जितने भी यूथ है आजकल, सब जो क्वालिफाइड यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑटो चला रहे हैं, ठीक है ना। हमें जॉब्स की बहुत ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर्स में। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर को तो आप छोड़िए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेनली बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि LG साहब की तरफ से हमें कवायद है कि जो भी हमारी डिप्लोमाज हैं या डिग्रीज बच्चे लेते हैं, उसके बाद उनके पास जॉब होना चाहिए। और बहुत ही ब्राइट कश्मीर का जो यूथ है, उसके लिए आज ये जो इंडस्ट्री मीट या फिर हम आप कह सकते हैं जो जॉब फेयर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस पर हमारी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है।
भारत सरकार का इदारा है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इनकी जो नैट्स प्रोग्राम है उसके तहत जितने भी बच्चे जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं या डिग्री होल्डर्स हैं उन बच्चों को हम लोग एक्सपोजर देते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। तो एक साल का ये प्रोग्राम होता है और जो बच्चे के ऊपर खर्चा आता है, जो भी 8,000 से 9,000 रुपये खर्चा आता है, उसका 50% ये ऑर्गेनाइजेशन देता है। इसमें जो डिग्री वाला बच्चा है उसको 8,000 तक रिइंबर्समेंट होता है 50% उसका, और जो डिप्लोमा वाला बच्चा उसको 7,000 तक होता है। तो आज आपने देखा कि लगभग 70 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लेयर यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे नेशनल प्लेयर गेल की तरह के प्लेयर्स भी हैं और कुछ हमारे जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं जम्मू कश्मीर की वो भी यहाँ आई हुई हैं, और लगभग 1,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो ये सारे जो बच्चे हैं आफ्टर दे रजिस्टर इनको मौका मिलेगा एक साल इंडस्ट्री के बारे में जानने का। जो टेक्निकल सेक्टर से पास आउट्स हैं, चाहे पॉलिटेक्निक आईटीआई हो या होटल मैनेजमेंट हो या और भी हमारे जो इदारे हैं, वो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करके ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं, और जो रिइंबर्समेंट का बेनिफिट उनको कहीं पर भी मिलेगा। तो आप जब तक आप इंडस्ट्री रेडी तब होंगे जब आप अप्रेंटिसशिप करेंगे। सिर्फ डिप्लोमा डिग्री लेने से आपको एकेडमिक नॉलेज होगी, उसके बाद जब आप ये अप्रेंटिसशिप करेंगे एक साल का तो इंडस्ट्री रेडी आप हो जाएंगे। और सभी मेरे मुझे बच्चों को ये कहना है कि आप इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स आप प्राइवेट सेक्टर में अपना हाथ ट्राई करें, और जो कंट्री का डेवलपमेंट है और जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आप हैं उसको बनाने के लिए आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें।